हेलो एवरीवन, मेरा नाम सर्जना यादव है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 में ऑल इंडिया रैंक 126 सिक्योर किया है। मैं सारे एस्पिरेंट्स के साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी। स्ट्रैटेजी शेयर करने से पहले मैं आप सबको अपना एक ब्रीफ बैकग्राउंड देना चाहूँगी। मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एज अ रिसर्च ऑफिसर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी काम किया। देन इन 2018 आई डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब और फिर मैंने इसके लिए डेडिकेटेडली प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। ये 2019 मेरा पहला सीरियस अटैम्प्ट है विथ फुल प्रिपरेशन। इसके पहले भी मैंने दो अटैम्प्ट दिए हैं, बट दोज वर विदाउट एनी प्रिपरेशन और वो जॉब के साथ था, सो आई कुड नॉट मेक देम थ्रू। अब चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। तो सबसे पहले जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके कुछ कॉमन डाउट्स होते हैं, मैं सबसे पहले वन बाय वन उनको डिस्कस करना चाहूँगी। पहला सबसे कॉमन डाउट होता है, स्पेशली फॉर द बिगनर्स जब वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, दैट वेदर वी शुड ज्वाइन कोचिंग और नॉट। सो इसका आंसर टोटली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। इफ़ यू फील कि आपको एक कंटिन्यूस गाइडेंस चाहिए और आपको एक क्लासरूम एटमोसफेयर चाहिए फॉर योर स्टडीज़, देन प्लीज़ डू योर रिसर्च एंड कंसल्ट योर सीनियर जिन्होंने पहले कोचिंग ज्वाइन किया है या जिन्होंने क्लियर किया है एग्ज़ाम, और उनसे कंसल्ट करके अपनी खुद की रिसर्च करके ज्वाइन अ गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट। बट अगर आपको लगता है कि आप घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी के थ्रू ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, देन नथिंग कैन बी बेटर देन दिस। फॉर एग्जाम्पल, इन माई केस आई हैव ऑलवेज बीन अ फर्म बिलीवर इन अ डिसिप्लिन एंड एन ऑनेस्ट सेल्फ स्टडी सिंस माई स्कूल डेज। तो मैंने अपनी सारी पढ़ाई एक डेढ़ साल अपने घर पे बैठ के यहीं पे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भैया भाभी के साथ ही सब कुछ प्रिपेयर किया। और मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, आई मे बी राइट और रॉन्ग, बट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं तो वो आपका कहीं ना कहीं जो एक थॉट प्रोसेस होता है वो स्ट्रीमलाइन कर देते हैं टूवर्ड्स वन डायरेक्शन। तो द वे यू परसीव द क्वेश्चन, द वे यू आंसर द क्वेश्चन, वो आपका कहीं ना कहीं एक इनोवेटिव एलिमेंट और एक क्रिएटिव एलिमेंट लैक हो जाता है। सो बट हैविंग सेड दैट, इट्स द एस्पिरेंट्स कॉल। अगर आपको कोचिंग लेना है तो आप ज़रूर लीजिए, डू व्हाट सूट्स यू। नाउ मूविंग ऑन, सेकेंड मोस्ट कॉमन डाउट होता है कि कितने बुक्स पढ़ने चाहिए पर सब्जेक्ट, हाउ मेनी बुक्स शुड वी रीड पर सब्जेक्ट। सी, वी ऑल नो दैट द यूपीएससी सिलेबस इज़ ह्यूमंगस, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप अगर तीन चार बुक्स एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ने बैठेंगे तो आपका सिलेबस कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। तो माई एडवाइस वुड बी कि सेलेक्ट द करेक्ट बुक्स, द राइट बुक्स, और उसी को आप बार बार रिवाइज करिए। यू नो, रीडिंग वन बुक मल्टीपल टाइम्स इज ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर रीडिंग मल्टीपल बुक्स जस्ट वंस और ट्वाइस। और अगर मान लीजिए अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अपनी बुक में नहीं समझ आ रहा है, तो उसमें आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि इस बुक में तो मेरा टॉपिक है ही नहीं। यू कैन जस्ट गूगल इट, आप गूगल में वो कीवर्ड डालिए, साथ में आप यूपीएससी या आईएएस कीवर्ड डालिए, और आपको बहुत यूट्यूब के इतने सारे वीडियोस मिल जाएंगे और सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपना केस बताती हूँ, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ रही थी तो मुझे कोल्ड वेव फ्रंट्स और वार्म वेव फ्रंट्स में प्रॉब्लम हो रही थी समझने में उनकी फॉर्मेशन, तो आई जस्ट गूगल डेट और मुझे यूट्यूब पे वीडियोस मिले और मेरे डाउट्स क्लियर हो गए। तो कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड, उसी को आप बार बार रिवाइज करिए तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। नाउ अगेन मूविंग ऑन, नेक्स्ट डाउट एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज़, हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो मेरा एडवाइस यही होगा कि आर फोकस शुड नॉट बी ऑन द नंबर ऑफ आवर्स वी स्टडी। सी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट। किसी स्टूडेंट को वही कॉन्सेप्ट चार घंटे में समझ आ जाता है, किसी को उससे ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप अपने एफिशिएंसी के हिसाब से आपको खुद अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस तो पता ही होने चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको जो सूट करता है वो करिए। आप हर दिन या हर वीक अपना एक टाइम टेबल बनाइए एंड मेक श्योर दैट यू फिनिश दोज टारगेट्स। तो ये आपका बेसिक अप्रोच होना चाहिए। और देखिए, स्टार्टिंग में जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत ऑब्वियस ही बात है कि आपको ज़्यादा घंटे लगेंगे टू गेट होल्ड ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट्स। फिर धीरे धीरे आप जैसे फर्स्ट रिवीजन में जाएंगे, सेकंड रिवीजन में जाएंगे, तो आपके नंबर ऑफ आवर्स रिड्यूस होते जाएंगे। देन अगेन जब आपका एग्ज़ाम पास में आएगा तो अगेन आपके नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज होंगे, बिकॉज यू नीड टू रिवाइज अ लॉट, यू नीड टू डू मॉक टेस्ट। सो इट्स अ डायनामिक थिंग। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डाउट इज़,
जो एस्पिरेंट्स को होता है कि नोट्स नोट्स हमें क्या सारे सब्जेक्ट्स के बनाने चाहिए. सी इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बिकॉज सिलेबस इतना वास्ट है, सब्जेक्ट्स इतने सारे हैं, और हमारी भी एक लिमिटेशन होती है कि हम कितने सब्जेक्ट्स के नोट्स बना पाए बिकॉज वी हैव टू डू अ लॉट मोर थिंग्स. हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट करना है, तो हम ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का तो नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं है एंड इट डजेंट मेक सेंस ऑल्सो. तो मैंने जो किया था, मुझे जो बुक्स लगे कि वो ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिए हुए हैं, मैंने उनके नोट्स नहीं बनाए. फॉर एग्जांपल पॉलिटी की हमारी बुक होती है लक्ष्मीकांत, उसमें मुझे लगा कि ऑलरेडी पॉइंट वाइज फॉर्म में दिया हुआ है, ऑलरेडी वेरी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैंने पॉलिटी के कोई नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने बुक में इटसेल्फ हाईलाइट कर दिया था. बट ऑन द अदर हैंड जैसे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है स्पेक्ट्रम, उसमें मेरे को लगा कि पॉइंट पैराग्राफ में चीज़ें दी हुई हैं, पॉइंट वाइज में नहीं दी हुई हैं और काफ़ी रिडंडेंसी लगी, तो मैंने उसके अपने नोट्स बनाए थे. सो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको जिसमें लगता है कि आपको नोट्स की ज़रूरत है आप सिर्फ उन्हीं के नोट्स बनाएं. नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाउट इज़ एस्पिरेंट्स को जो होता है कि हम कितने टेस्ट दें, हाउ मेनी टेस्ट, मॉक टेस्ट या प्रीलिम्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, मेन की टेस्ट सीरीज़ हम कितने दें. तो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि अगर सपोज़ आपने एक टेस्ट सीरीज़ लिया, आपको उसमें लगता है कि आपका स्टैटिक भी कवर हो रहा है, करंट अफेयर्स भी कवर हो रहा है, तो देन स्टिक टू इट. जस्ट बिकॉज आपका कोई फेलो फ्रेंड या फेलो एस्पिरेंट तीन चार टेस्ट सीरीज़ ले रहा है तो इट डजेंट मेक सेंस कि आप भी बस यू नो गोइंग बाय दैट हर्ड मेंटालिटी आप तीन चार टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें. आप वही करिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं और जो जो आपको सूट करता है. और बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ देने से भी उतना कोई फ़ायदा नहीं होता. इट्स बेटर कि आप एक दो टेस्ट सीरीज़ लें और उसी का आप यू नो आफ्टर टेस्ट जो एनालिसिस होता है उसी को आप बार बार रिवाइज़ करिए. नाउ मूविंग ऑन, जो बिगनर्स हैं स्पेशली उनका ये डाउट होता है कि हम न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, बिकॉज मोस्टली जो सारे एस्पिरेंट्स होते हैं या तो वो कॉलेज से जस्ट निकले हुए होते हैं या जॉब करते हैं, तो कॉलेज के शेड्यूल में जॉब के शेड्यूल में न्यूज़पेपर को थरेली पढ़ना विद द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी, विद कीपिंग इन माइंड यूपीएससी, पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है. तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर पढ़ने में कि मैं उसे पढ़ूँ कैसे, उससे मैं प्रीलिम्स का कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं न्यूज़पेपर से या मेंस के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं. तो इस चीज़ में मेरी एक चीज़ ने बहुत हेल्प की थी, इनसाइट्स IAS वेबसाइट है, आप लोगों को पता ही होगा, उसमें डेली 5 MCQs आते हैं करेंट अफेयर्स के, और वो करेंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो या तो आपके न्यूज़पेपर या PIB कहीं से उठाए गए होते हैं. तो वो मैं हर दिन वो करती थी सिंस स्टार्ट ऑफ माई प्रिपरेशन. तो वो करते करते मेरे को आइडिया लगा कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं न्यूज़पेपर से. फिर धीरे धीरे इवेंचुअली आई लर्नड कि मुझे कैसे न्यूज़पेपर से कैसे न्यूज़पेपर को विद कीपिंग इन माइंड प्रीलिम्स एंड मेंस कैसे पढ़ना है. तो स्टार्टिंग में पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, सबको डिफ़िकल्टी होती है, बट इट टेक्स यू अ वाइल टू फॉल इन टू द प्रोसेस. तो आप कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करिए, हार्डवर्क अपनी मेंटेन करिए, यू विल डेफिनेटली सेल थ्रू. अब आती हूँ मैं अपने स्ट्रैटेजी पे. तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी 5 पार्ट्स में बताऊँगी, प्रीलिम्स, मेंस, माय ऑप्शनल, एसे एंड द पर्सनालिटी टेस्ट. सो स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स से. सो प्रीलिम्स का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो एक्सेप्ट एंड मेंस का आप सिलेबस देखेंगे UPSC का, तो एक्सेप्ट फॉर द एथिक्स एंड वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट, बाकी प्रीलिम्स और मेंस का दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है. तो दोनों की अलग अलग पढ़ाई नहीं चलती, दोनों की अलग अलग टेक्स्ट बुक्स नहीं चलते, एक इंटीग्रेटेड मैनर में ही आपको पढ़ाई करनी होती है. बट आपका अप्रोच डेफिनेटली अलग होना चाहिए सेम टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस. सो प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स में मैं करेंट अफेयर्स पे फोकस करना चाहूँगी बिकॉज वी ऑल नो डैट सिंस फ्यू ईयर्स करेंट अफेयर्स हैज़ बिकम अ मेजर पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन. तो करेंट अफेयर्स के लिए मैंने बस दो ही चीज़ें की थी. न्यूज़पेपर मैं पढ़ती थी, वो भी सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ती थी, द हिंदू, और मैं डेली करेंट अफेयर्स करती थी फ्रॉम इनसाइट्स IAS. और मैंने इन सब के डिजिटल नोट्स बनाए थे. मैंने इन सब के डिजिटल नोट्स बनाए थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में. आई डिड नॉट यूज़ एवर नोट, आई वेंट द ट्रेडिशनल वे, और मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स ही बनाए थे इसके. तो मैंने टॉपिक वाइज बनाए थे, जैसे कभी मुझे
पॉलिटी का कोई मिल गया तो मैंने बहुत सारे सब फोल्डर्स बना दिए थे पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, तो ऐसे करके मैं उसमें MCQ के फॉर्म में क्वेश्चंस लिखती जाती थी. और एंड में, और जब एंड एट द एंड ऑफ द ईयर आई हैड माई नोट्स रेडी, तो मुझे बस उनको रिवाइज करना पड़ता था. टेस्ट सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो मैंने प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़, मैंने जून 2019 में अपना एग्ज़ाम दिया था प्रीलिम्स का. सो आई जॉइंड अ टेस्ट सीरीज़ फ्रॉम विजन एंड इनसाइट्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2018. तो मैं तभी करती थी, हर हफ्ते मैंने स्टार्ट किया था, हर हफ्ते मैं एक बार करती थी, उसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर दी थी. देन प्रीलिम्स के दो महीने पहले, डैट इज़ अप्रैल और मई, मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए रखा था. तो फर्स्ट 15-20 डेज ऑफ अप्रैल आई जस्ट अटेम्प्टेड मॉक टेस्ट और मैं उन्हीं को रिवाइज करती थी, उन्हीं का पोस्ट टेस्ट एनालिसिस करती थी. उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम था आई यूज टू जस्ट रिवाइज माई नोट्स एंड द मॉक टेस्ट, दैट्स इट. नाउ मूविंग ऑन टू द मेंस. मेंस के लिए भी टेक्स्ट बुक, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स होते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, मैंने वही पढ़ा, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा. मेंस में वी ऑल नो आंसर राइटिंग मैटर्स. तो आंसर राइटिंग में आपको देखिए तीन चार चीज़ें ध्यान में रखनी होती है. फर्स्ट, यू हैव टू एड्रेस ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. सपोज आपको क्वेश्चन में तीन चीज़ें पूछी है, हाउ, व्हेन एंड व्हाई, सो मेक श्योर कि आपके उस आंसर में ऑल द थ्री पार्ट्स आर एड्रेस्ड, क्योंकि एग्जामिनर आपके तीनों पार्ट्स पे आपको नंबर देगा. ये नहीं है कि आपने हाउ वाले पार्ट में अगर बहुत ज़्यादा लिख दिया और व्हेन में कुछ लिखा ही नहीं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है. यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड एड्रेस ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. सेकेंड एंड फोरमोस्ट इज़ द टाइम एंड द स्पीड लिमिट. सो फॉर अ 10 मार्क का क्वेश्चन आप मैक्सिमम सिर्फ 7 मिनट्स ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी स्पीड थोड़ी इम्प्रूव करनी पड़ेगी और कुछ कुछ टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे. जैसे मैं जब स्टार्टिंग में टेस्ट देती थी अपने, तो मैं जब स्टॉपवॉच से अपना एक आंसर लिखती थी तो मैं स्टॉपवॉच से मेजर करती थी. तो आई यूज टू टेक 11-12 मिनट्स स्टार्टिंग में फॉर अ 10 मार्क. देन मैंने धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आपका सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा. तो विद प्रैक्टिस आई लर्नड, जैसे कि मैंने दो तीन चीज़ें फॉलो की जो मुझे काम आई टू रिड्यूस माई टाइम, एंड दोज वर कि मैं पॉइंटर्स में आंसर्स मैंने लिखना स्टार्ट किया. मैंने बहुत फ्लो चार्ट्स, टैबुलर फॉर्म्स और वेन डायग्राम्स ये सब भी यूज़ किया अपने आंसर राइटिंग में, तो उससे मुझे टाइम भी कम लगा और मेरा प्रेजेंटेशन भी इम्प्रूव हो गया. नाउ थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इन आंसर राइटिंग इज़ योर वर्ड लिमिट. आपका अगर 10 मार्कर 150 वर्ड्स का है तो आप 140 टू 165 वर्ड्स तक ही आपका वैरी कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं. तो आपको ये भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आप कैसे अपने आंसर को एक 150 वर्ड्स में सारी चीज़ें कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, एंड दैट विल कम ओनली थ्रू प्रैक्टिस. सो मेंस में आपका मेन फोकस शुड बी ऑन द आंसर राइटिंग. तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने जून 2019 में अपना एग्ज़ाम दिया है, तो मैंने आई स्टार्टेड डेली आंसर राइटिंग फ्रॉम अगस्त 2018 इटसेल्फ. तो मैं IAS बाबा का इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम होता है, उसमें वो लोग डेली क्वेश्चंस पुट अप करते थे, और इनसाइट्स IAS में भी डेली करंट अफेयर्स के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते थे. तो मैं वो प्रैक्टिस करती थी और मैं कभी कभी सेल्फ इवेल्युएट करती थी, कभी कभी अपने आंसर्स में पोस्ट कर देती थी, और जो भी कोचिंग वाले सिनॉप्सिस देते थे मैं उसे देख के अपना सेल्फ इवेल्युएट करती थी. मैंने प्रॉपर मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो आफ्टर प्रीलिम्स ही ज्वाइन की थी फ्रॉम इनसाइट्स IAS, और मैंने बस एक ही टेस्ट सीरीज़ की थी, बस वही वाली की थी. और मैं एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी कि मेंस के लिए स्पेशली मैंने डिजिटल नोट्स बनाए थे. मैंने चार सुपर फोल्डर्स बनाए थे, GS1, GS2 एंड GS3 एंड GS4. उस पर सब्सिक्वेंट सब फोल्डर्स थे मेरे टॉपिक वाइज. फॉर एग्जांपल GS1 है तो GS1 में मेरे सब फोल्डर्स होते थे मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडेवियल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, मैप्स, तो ऐसे करके. और मैं डेली जो भी मुझे मटेरियल फ्रॉम द न्यूज़पेपर और फ्रॉम एन आर्टिकल ऑन द वेब और फ्रॉम द डेली करेंट अफेयर्स ऑफ द कोचिंग, तो मैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाती थी. और अगर मान लीजिए मैंने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट किसी स्कीम के बारे में कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया और एक महीने बाद उसमें कुछ चेंजेस आए या उसके बारे में कुछ नई न्यूज़ आई, तो आई यूज़ टू अपडेट दैट डॉक्यूमेंट. तो ऐसे मेरा एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरा एक सुपर फोल्डर चारों GS पेपर्स के लिए बन गया था. एंड मुझे बहुत और
मुझे बहुत इजी हुआ था लास्ट में रिवाइज़ करने के लिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ये नोट्स बनाते टाइम मैंने बहुत नोट्स को अपने क्रिस्प रखा था, बिकॉज़ मुझे पता था कि रिवाइज़ करने में आपके पास इतना टाइम नहीं रहता, आपको ऐसे नोट्स बनाने होंगे कि यू नो ओनली द कीवर्ड्स और ओनली द हाइलाइट्स आर देयर। तो मैं बहुत ज़्यादा फ्लो चार्ट्स या बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, टेबल्स, इन सब का यूज़ करती थी और बहुत ही मैंने कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही प्रेजेंटेबल नोट्स बनाए थे। देन आई मूव ऑन टू द एसे। सी, एसे में एक बहुत ही फॉल्स परसेप्शन है अमंग द एस्पिरेंट्स दैट यू नीड अ गुड इंग्लिश। देर इज़ अ परसेप्शन कि जिनकी गुड इंग्लिश होती है बाई डिफ़ॉल्ट दे विल फेच गुड मार्क्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इट्स अ बिग मिथ। अगर आप सिंपल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश के थ्रू अपना थॉट, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड अगर एग्जामिनर तक पहुंचा पाते हैं, तो डैट इज़ वे बेटर देन एनी फैंसी इंग्लिश विच इज़ नॉट एबल टू कन्वे द मैसेज राइटली। तो ऐसे में दो तीन चीज़ें ही मैटर करती हैं। फर्स्ट इज़ योर स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर, तो जैसे स्ट्रक्चर में आपका आता है आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ना अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ, देर इज़ अ सेइंग दैट फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो इंट्रोडक्शन आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, तो इंट्रोडक्शन आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही अट्रैक्टिव रखना है सो दैट द एग्जामिनर इज़ मोटिवेटेड टू रीड फर्दर। तो जैसे आप इंट्रोडक्शन अगर आपको करना है, तो आप जैसे किसी भी कोट बाय एन एमिनेंट पर्सनैलिटी से इंट्रोड्यूस करिए, किसी भी रियल लाइफ स्टोरी से करिए, फिक्शनल स्टोरी से करिए, किसी डेटा से या स्टैटिस्टिक्स से कर दीजिए, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन आप छोड़ता है एग्जामिनर पे, एंड ही और शी विल बी मोटिवेटेड कि आगे मैं पढ़ूँ उसको। नेक्स्ट कमिंग टू द बॉडी ऑफ द एसे। सो बॉडी लिखने के देखिए दो तीन टेम्पलेट्स होते हैं, या तो आप कॉज इफेक्ट वाला टेम्पलेट करिए, या आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला करिए टेम्पलेट, या प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशंस का करिए टेम्पलेट। तो डैट डिपेंड्स कि आपका टॉपिक कैसा है। बॉडी में आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक है कि आपका फ्लो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। फ्लो से मेरा मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अनएम्प्लॉयमेंट पे ऐसे लिखना है, तो बॉडी में आपने उसके कॉजेज बताए, जैसे सोशल कॉज हो गया, इकोनॉमिक कॉज हो गया, तो आपने इकोनॉमिक कॉज पे एक पैराग्राफ लिखा एंड देन नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ योर सोशल कॉज। तो इकोनॉमिक कॉज और सोशल कॉज पे जंप करते टाइम देर शुड बी अ फ्लो। एक अब्रप्ट मैनर पे आपका जंप नहीं होना चाहिए। जैसे आपने अगर इकोनॉमिक का कॉज क्लोज किया, तो यू एड अ लाइन एट द लास्ट कि हैविंग डिस्कस द इकोनॉमिक कॉज, लेट अस नाउ सी द सोशल कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को कहीं भी अनकंफर्टेबल नहीं होगा, बिकॉज एट नो पॉइंट द एग्जामिनर शुड फील अनकंफर्टेबल वाई लीडिंग योर एसे, बिकॉज एक फिर उनका भी एक फ्लो टूट जाता है एंड ही विल नॉट बी मोटिवेटेड टू यू नो रीड फर्दर। तो आप फ्लो का ध्यान रखिए। फिर आता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन इज़ नथिंग बट आपने जो भी लिखा है उसको आप अच्छे से समराइज करिए, और कंक्लूजन में आप कोशिश करिए कि आप बहुत ही प्रोग्रेसिव वे में उसको एंड करिए। कंक्लूजन इज़ एक्चुअली द लास्ट थिंग विच द एग्जामिनर वुड बी रीडिंग। तो आप कोशिश करिए कि वो एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़े। तो आप कुछ कोट्स इंक्लूड कर सकते हैं बाय एमिनेंट पर्सनालिटीज़ और संस्कृत कोट्स। और एसे को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जैसे मैंने बहुत सारे कोट्स, एनेक्डोट्स, इन सब का यूज़ किया था। तो मैंने टॉपिक वाइज जैसे एजुकेशन हो गया, वीमेन एम्पावरमेंट हो गया, या एम्प्लॉयमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन सब के एमिनेंट पर्सनालिटीज़ जैसे स्वामी विवेकानंद जी हो गए, गांधी जी हो गए, उन सब के मैंने कोट्स ऑलरेडी बना के रख लिए थे। मैंने इनफैक्ट संस्कृत कोट्स भी प्रिपेयर करके रख लिए थे। तो अगर आप ऐसी एडिशनल एलिमेंट्स इंक्लूड करते हैं, तो इट शोज़ कि द स्टूडेंट हैज़ टेकन एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू प्रेजेंट द एसे ब्यूटिफुली। तो डैट यू नो लीव्स अ गुड इम्प्रेशन। और एसे 250 मार्क्स का होता है, बाकी आपके जीएस पेपर्स भी 250 मार्क्स के होते हैं। सो एट नो पॉइंट यू शुड टेक द एसे लाइटली। मैंने एसे के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी फ्रॉम इनसाइट्स IAS आफ्टर द प्रीलिम्स, और मैंने बहुत सारे एसेज में प्रैक्टिस करके गई थी, तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस भी आया कि कैसे एसे को लिखना चाहिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे टेस्ट सीरीज़ के दौरान जो भी मेंटर्स होते हैं उन्होंने बताई थी, कि इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी टॉपिक है उसको एक होलिस्टिक वे में प्रेजेंट करें। बाय होलिस्टिक आई मीन आपको हर डायमेंशन से सोचना होगा।
बिकॉज यूपीएससी वॉन्ट्स कि आपका हर टॉपिक के बारे में एक 360 डिग्री व्यू हो, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपको एसए का पेपर मिलता है तो आप 10-15 मिनट ब्रेनस्टॉर्म करिए। ब्रेनस्टॉर्म से मतलब आप उसके जितने भी डायमेंशन आप सोच सकते हैं आप सोचिए। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट का हम एग्जांपल लेते हैं, तो उसके कॉजेज़ क्या हैं। अब कॉजेज़ में भी इकोनॉमिक कॉजेज़ हो गए, सोशल कॉजेज़ हो गए, बिहेवियरल कॉजेज़ हो गए या साइकोलॉजिकल कॉजेज़ हो गए, तो ऐसे आप कर सकते हैं। फिर जैसे इफ़ेक्ट्स हो गए अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या हैं, सोशल इम्पैक्ट्स क्या हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या हैं, तो अगर आप ऐसे सोचिएगा तो ये एक बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन छोड़ेगा कि इस स्टूडेंट को इस टॉपिक के बारे में 360 डिग्री और एक होलिस्टिक अप्रोच है। सो दैट लीव्स अ रियली रियली गुड इम्प्रेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू माय ऑप्शनल। सो माय ऑप्शनल वाज सोशियोलॉजी। मैंने सोशियोलॉजी के लिए कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की थी, कोई भी कोचिंग नहीं ली थी। मैंने अपनी फादर की गाइडेंस एंड हेल्प ली थी। माय फादर इज़ फ्रॉम इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, बट ड्यूरिंग हिज टाइम ही गेव हिज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन थ्रू सोशियोलॉजी सब्जेक्ट। तो और उनको सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट भी था, तो उन्हीं से मुझे गाइडेंस मिल जाती थी। तो मैं अगर अपने सोर्सेज की बात करूँ सोशियोलॉजी के, तो मैं पेपर वन एंड पेपर टू वाइज डिस्कस करूँगी। पेपर वन में जो मेरे बेस नोट्स थे, जो मेरे बेस बने, वो थे उपेंद्र सर के नोट्स। उपेंद्र सर के नोट्स मैंने फुल पढ़े थे। उसमें उपेंद्र सर के नोट्स में एक्चुअली पेपर टू का भी थोड़ा सा पार्ट था, बट उतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था। सेकेंड मैंने सोर्स रेफर किया था महापात्रा सर के नोट्स, उनके मैंने बस इंडियन थिंकर्स जो होते हैं वो वाला सेक्शन किया था। देन हमारी हरलम बोस की बुक होती है द ब्लू बुक, उससे मैंने बहुत सेलेक्टिव रीडिंग की थी। वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी मैंने कौन से पेजेस कौन से चैप्टर्स किए थे। देन मैंने योगेंद्र सिंह की बुक जो है, जो एमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट है, उनके बुक से भी मैंने दो चैप्टर्स किए थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई फॉरगॉट एनसीईआरटीज़। सबसे पहली चीज़ मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी, 11th एंड 12th के जितने भी पार्ट्स थे एनसीईआरटीज़ के, दे आर वेरी गुड। तो मैंने वो पढ़ा था। इग्नू के नोट्स मैं पढ़ना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उन्हें पढ़ पाऊँ, तो वो मैंने स्किप कर दिया था। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने एक बार उनको बस देखा था, तो दे वर रियली गुड, बट बिकॉज आई डिड नॉट हैव द टाइम सो आई डिड नॉट रीड देम। नाउ कमिंग टू पेपर टू, जिनका भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल होगा उन्हें वो इस बात से अग्री करेंगे कि पेपर टू के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही जेनरिक हैं, जैसे आपका इनफॉर्मल लेबर हो गया या अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो ऐसी चीज़ें हैं। तो कोई भी एक सोर्स इज़ नॉट फुल एनफ फॉर पेपर टू, तो आपको बहुत ही वेरीड सोर्सेज से रेफ़र करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे उपेंद्र सर के नोट्स में भी कुछ पार्ट्स थे पेपर टू के, तो मैंने वो रेफ़र किया था। कुछ आपके करेंट अफेयर्स से भी आ जाते हैं। फिर एक राम आहूजा की बुक आती है ऑन सोशल इश्यूज़, उसके भी मैंने नोट्स बनाए थे फॉर स्पेसिफिक टॉपिक्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस या वुमेन एम्पावरमेंट। तो वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या नोट्स बनाए थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक जिसने मेरी बहुत हेल्प की है फॉर माई सोशियोलॉजी प्रिपरेशन वॉज अ बुक फ्रॉम क्रॉनिकल बुक्स पब्लिकेशन। उनका एक 14 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स के एक क्वेश्चन एंड आंसर वाली बुक है, जिसमें उन्होंने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हैं विद वेरी गुड एंड वेरी इलैबोरेट आंसर्स। तो मैंने वो बुक पूरी की थी एंड इट मेड अ ह्यूज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन माय प्रिपरेशन, क्योंकि उसमें आपको आपके आंसर्स एक ही क्वेश्चन को तीन चार तरीके से दिया हुआ है डिफरेंट ईयर्स में, और उसके आंसर्स भी डिफरेंट हैं। सो वी हैव वैरायटी कि हम एक क्वेश्चन को कैसे अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं। तो डैट बुक हेल्प मी अ लॉट विथ माई प्रिपरेशन। नाउ कमिंग टू द पर्सनैलिटी टेस्ट। सी पर्सनैलिटी टेस्ट में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द एस्पिरेंट शुड नो डैट इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट एंड नॉट एन इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है, जैसे आपके जॉब इंटरव्यू होते हैं, तो वो जॉब इंटरव्यू में आपका मोस्टली वर्क बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, या आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है। बस पर्सनालिटी टेस्ट कि हु आर यू एज एन इंडिविजुअल, इसलिए जब आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे तो उसमें वो आपके हॉबीज़ के बारे में पूछते हैं, आपके होम टाउन के बारे में पूछते हैं, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में पूछते हैं, आपके अचीवमेंट्स के बारे में पूछते हैं, जस्ट टू नो कि आप कैसे हो एज एन इंडिविजुअल।
सो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बहुत अच्छे से भरिए फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट. ईच एंड एवरी थिंग यू राइट इन योर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म वो एक क्वेश्चन बन जाता है फॉर द पैनल मेम्बर्स. और जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंटरव्यू में कि आपको किसी भी पॉइंट पे डोंट फेक एनीथिंग. क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपको किसी चीज़ का आंसर नहीं आता है तो आप बहुत ही पोलाइटली बोल दीजिए कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट एट द मोमेंट, आई विल श्योरली गो होम एंड रीड अबाउट इट. तो ये एक शो करता है कि द स्टूडेंट इज़ ऑनेस्ट. क्योंकि अगर आप ब्लफ करेंगे या फेक करेंगे तो वो आपके फेस पे आ जाएगा और आप फंबल करने लग जाएंगे तो वो एकदम भी अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ेगा. सो बी काम, बी रिलैक्स्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी रिस्पेक्टफुल टू द पैनल मेंबर्स. बिकॉज कभी कभी हो सकता है कि वो कुछ ऑफ ट्रैक क्वेश्चन पूछ दें या कुछ आपको लगे कि थोड़ा एक स्ट्रिक्ट टोन में क्वेश्चन जा रहा है. बट आपको काम रहना है. यू शुड नो द फैक्ट दैट यू नो दे आर एल्डर्स, दे आर मोर एक्सपीरियंस, दे आर मोर नॉलेजेबल. तो आप अपना काम मेंटेन करिए. और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि पर्सनैलिटी टेस्ट इज़ नॉट अ नॉलेज टेस्ट. तो एज सच मैंने कुछ एक्स्ट्रा बुक या कुछ भी नहीं पढ़ा था. मैंने अपने जो करेंट हैपनिंग, जो करेंट इवेंट्स हैं, मैंने उसमें अपना एक बैलेंस, सारे जो इंपॉर्टेंट करेंट इवेंट्स थे उसका मैंने एक बहुत ही बैलेंस्ड ओपिनियन और बहुत ही पॉजिटिव ओपिनियन अपना बना के रखा था. मैंने अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बहुत अच्छे से भरा था, बहुत ऑनेस्टली भरा था. आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन ऑनेस्टली भरना है. बाय ऑनेस्टली आई मीन कि कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं, जैसे हमारा हॉबीज़ का सेक्शन होता है, उसमें एक हॉबी, जैसे मैं अगर एक हॉबी परस्यू करती हूँ तो मैं एक ही लिखूँगी. बट आप अगर ये सोच रहे हैं कि और भी मैं दो तीन डाल देता हूँ अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, तो दैट इज़ नॉट द केस. दो तीन हॉबीज़ डालने से जो आपने कभी परस्यू नहीं की है, कभी आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, डालने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा. क्योंकि अगर आप उससे कोई एक डीप क्वेश्चन आपसे पूछ दिया तो आप वहीं पर स्टक हो जाओगे. तो डैट विल नॉट लीव अ गुड इम्प्रेशन. और थर्ड और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि कभी कभी ये होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इंटरव्यू में कि आपको कैंडिड होना पड़ता है. फॉर एग्जांपल दे विल आस्क यू व्हाट इज़ लाइफ, तो इसका तो आप आंसर पहले से प्रिपेयर नहीं करके जाओगे, वो आपको कैंडिड ही वहीं पे आंसर देना पड़ेगा. और अगर आप कैंडिड आंसर्स देते हो तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाता है. ये दिखाता है कि स्टूडेंट इज़ काम, स्टूडेंट इज़ रिलैक्स्ड, स्टूडेंट हैज़ अ वेरी काम एंड पीसफुल माइंड. तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए. और कुछ एस्पिरेंट्स का ये भी एक बहुत मेजर डाउट होता है. बिकॉज सी हम एक दो साल से प्रिपेयर करते हैं, कुछ लोग इससे ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारी जो एक सोशल लाइफ होती है वो एक बैक सीट ले लेती है. वी आर नॉट सो एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, वी डोंट मीट आवर फ्रेंड्स फ्रीक्वेंटली. सो एस्पिरेंट्स को ये डाउट होता है कि विल इट यू नो हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर पर्सनैलिटी. तो उनको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो UPSC की जर्नी है, ये itself is an learning experience. You learn how to be patient, how to be humble, you learn how to fall today and stand tomorrow with you know that confidence. तो ये आपको unconsciously आपका personality anyways mold कर रही है in a very positive manner. So don't let such thoughts come to your mind. आप बहुत ही relaxed way में, बहुत calm way में अपना personality test के लिए प्रिपेयर करिए. और अगर मैं मॉक टेस्ट की बात करूँ, मॉक इंटरव्यूज़ की बात करूँ, तो मैंने दो या तीन मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, तो उससे आइडिया लग गया था कि आपको कैसे रूम के अंदर एंटर होना है, कैसे आंसर्स देने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो आई वुड एडवाइस कि आप मॉक जो पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं वो ज़रूर लीजिए. बिकॉज उससे एक आइडिया मिल जाता है कि रियल में आपका कैसा होगा. सो दैट्स अ मस्ट. So that's about it guys. I hope कि जो भी मैंने strategy Delhi Knowledge Track के through share की है वो आप लोगों के काम आए. All the aspirants, all the very best. Thank you.